नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर्स का सवाल है uh, 2016 में नेट के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वैक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द सेम टू वैक्टर्स हमें बताना है कि उन दोनों वैक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा ना uh, हमें ये पता है कि अगर वैक्टर ए प्लस बी की हम बात करें सो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस सीटा डिफरेंस की बात करें मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर के डिफरेंस का सो इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस सीटा इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों हमें बराबर दिए हुए सवाल में इक्वेट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये उड़ जाएगा सो इट विल बी इक्वल टू फोर ए बी कॉस सीटा इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज आपका कॉस सीटा हो गया जीरो इम्प्लाइज सीटा इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री सो so, ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है कि जब दोनों के बीच में एंगल आपका 90 डिग्री हो हैंस वी कैन से ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम